ज्ञानवापी प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी दीवारें चीख चीख कर ये बताती हैं कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। वहाँ मिले अवशेष, चाहे वो त्रिशूल, कमल और स्वास्तिक के निशान हो या फिर उसकी बनावट, इस बात की ओर जाहिर करती है, इशारा करती है कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को खुद पहल कर आगे आना चाहिए और जो जिसका है उसे सौंप देना चाहिए। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने महामहिम यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की बात कही। क्योंकि देखिए, मैं एक हिंदू पक्षकार का अधिवक्ता होने के नाते और एक हिंदू सनातनी व्यक्ति होने के नाते मैं सदैव इस बात को कहता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने कहीं सुना हो, टीवी पे देखा हो या न्यूज़ चैनलों पे देखा हो कि ज्ञानवापी शब्द एक संस्कृत शब्द है। ज्ञानवापी शब्द जो है वो कहाँ, किस मुस्लिम ग्रंथ में या कहाँ, किस कुरान में लिखा हुआ है, ज़रा ये मुस्लिम पक्ष मुझे दिखा दे, ये मैं सदैव कहता रहता हूँ। इसलिए ज्ञानवापी के साथ जो है मस्जिद शब्द का इस्तेमाल किया जाना वो सर्वथा अनुचित है। इस बात को आज माननीय योगी जी ने कहकर और इस बात को जो है पूरी जनता के सामने लाकर इस लाने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही दूसरी बात, जो कि वो मस्जिद है कि मंदिर, एक बहुत अच्छी बात हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ये सुलह का जो प्रस्ताव है या ये समस्या का जो निदान है वो स्वयं मुस्लिम पक्ष से आना चाहिए। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि कोई भी न्यायालयी प्रक्रिया जब चलती है तो उसमें तमाम धन भी खर्चा होता है, तो इस प्रकार से देश पर बोझ पड़ता है। तो इस तरह से मुस्लिम पक्ष स्वयं इसको लेकर आए और इस विवाद का निपटारा करे कि भाई ऐतिहासिक गलती हो गई और उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। तो आप मंदिर का पश्चिमी द्वार देख लीजिए, आप वहाँ के खंभे देख लीजिए, कमल का निशान देख लीजिए, ज्योतिर्लिंग देख लीजिए, ज्योतिर्लिंग के ठीक 90 डिग्री पर बैठे हुए नंदी बाबा को देख लीजिए। इसको देखकर कोई अंधा भी कह सकता है कि वो मंदिर था, मस्जिद नहीं था। तो उस ऐतिहासिक गलती को ठीक करने के लिए जो है स्वयं उनको सामने आना चाहिए। मैं इसके लिए पुनः अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूँ। सर, ज्ञानवापी को लेकर आज मुख्यमंत्री का बयान आया है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? किस रूप में क्या जो है, ये इस रूप में देखा जा सकता है कि भारतवर्ष में आज़ादी के बाद कोई पहला व्यक्तित्व रहा है जो संवैधानिक पद पर रहते हुए जिसने सत्य को लोगों के बीच में रखा है, वो ज्ञानवापी मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा, इसमें कहीं संशय नहीं है। केवल इस देश में भ्रम फैलाया गया, लोगों को जो है डाइवर्ट किया गया, लोगों को समझाया गया कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है। ये झूठ जो है लगातार जो है इस देश में चलता रहा, इस झूठ से पर्दा हटाया है सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जो एक स्वागत योग्य कदम है। उस परिसर की सारी दीवारें, वो पूरा परिसर, चाहे उसके खंभे रहे हों, चाहे सारी दीवारें रही हों, तहखाने के अंदर सारी चीज़ें जो है, सारे परिसर चीख चीख के चिल्लाता है कि मैं ज्ञानवापी मंदिर हूँ। भाई, सर्वे के दौरान भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, सारी रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष अभी उपस्थित है। तो केवल झूठ बोलना, एक मुख्यमंत्री जो सन्यासी भी है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, आप उससे झूठ बोलवाएंगे कि मस्जिद है? अगर उसने कहा, सत्य स्वीकारा है कि वो मस्जिद नहीं मंदिर है, तो ये सराहनीय कदम है। भाई देखिए, उनके बयान का कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। न्यायालय अपनी साक्ष्य, अपने प्रमाणों के आधार पर चलता है। सारे साक्ष्य जो है सर्वे के दौरान मिल चुके हैं, और भी जो सर्वे एएसआई के, जिसे हमें विश्वास है कि एएसआई सर्वे का आदेश माननीय उच्च न्यायालय देगा, देने के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी, ये सारे रिपोर्ट के आधार पर वो मंदिर था, और मंदिर का प्रमाण जो सब सामने आएंगे, न्यायालय भी स्वीकार करेगा। इसलिए इनके बयान का कोर्ट पे नहीं, लेकिन जनमानस में जो भ्रांतियां हैं, जनमानस को जो दबाया गया है कि अरे सत्य को मत स्वीकारिए, मंदिर को मंदिर मत कहिए, हिंदू को हिंदू मत कहिए, ये जो दबाव जो है लगातार जो प्रेशर बनाया गया इस समाज के ऊपर, अगर इसको ध्वस्त होने में मदद करेगा इनका बयान, ये बहुत बड़ा बयान है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है बयान बहुत बड़ा बयान है, इससे समाज में लोगों की हिम्मत बढ़ेगी, सत्य को कहने की, सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत लोगों में बढ़ेगी। तो ये बयान का स्वागत मैं पुनः करता हूँ, ये सम्माननीय इनके विचार हैं, इनके बयान हैं। तो ये सारी चीज़ें सब आपके सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत योग्य विचार। मदन जी, ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, किस रूप में आप लोग देखते हैं?
मुख्यमंत्री जी पर, योगीनाथ जी के ऊपर बार बार आक्षेप लग रहा है कि जो मामला न्यायालयाधीन है उस पर ऐसा उन्होंने कैसे आउट ऑफ फ्रेम में जाके बोला है। तो इस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि 1995 का इस्माइल फारूकी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला था, उसमें मस्जिद मजार कब्रिस्तान को डिफाइन किया गया है, उसको बताया गया कि उसकी स्थिति क्या होती है। दूसरा, ज्ञानवापी के संदर्भ में 1936 में जो मुकदमा चला था उसमें 12 गवाह गुजरे दीन मोहम्मद के केस में, और सभी गवाहों ने लगभग स्वीकार किया कि यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे निरंतर परिक्रमा प्रदक्षिणा आदि होती है। दूसरी बात, 1983 के श्री विश्वनाथ अधिनियम, काशी विश्वनाथ अधिनियम में ये डिफाइन किया गया है कि पंचकोश परिक्षेत्र में जितना भूभाग है यह आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में समाहित है, निहित है। दूसरा, 1993 तक जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद उसके पार्श्व भाग में अवस्थित ज्ञान श्रृंगार गरोई की निरंतर पूजा पाठ वहाँ पे होता रहा है। और फिर इन सब के आलोक में उसके पूर्व, स्वतंत्रता के पूर्व, व्यास परिवार जो तहखाने का पूरा स्वामी था, व्यास परिवार के द्वारा निरंतर पूजा पाठ कराया जाता था। अक्षत फूल पुष्प इत्यादि मंत्रोच्चारण निरंतर होता रहा, गंगाजल छिड़का जाता था उस परिक्षेत्र में। तो इस तरह ये पूरी तरह मंदिर का ही स्वरूप है, और उसके वास्तुशिल्प, वो जो वास्तु विन्यास है वह नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष किसी मस्जिद में स्वास्तिक ओम और उसमें पद्म यानी कमल का होना और उसके आकृति का पूरी तरह से नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष होना, वह वास्तुशिल्प अद्भुत रहा। वो उसी आधार पर, उसके भग्नावशेष पर कथित खड़ी मस्जिद और उसके मध्य गुंबद के नीचे ढक ढक की आवाज़ आती है ज़मीन पे, और जिससे प्रतीत होता है कि वहाँ ढका गया है, वहाँ पे आदि विशेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वह अवश्य है। तो इन सारे विषयों के, इन सारे बातों के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहा जाना वह पूरी तरह से योग्य है और बहुत श्रेष्ठ उन्होंने कहा है, और इसको महज जिद्द नहीं बनाना चाहिए। यदि ये मानना चाहिए कि पता नहीं किन कालखंड में किन परिस्थितियों के नाते मुसलमानों ने यहाँ पे भय भूख की ऐसी विपदा आई, विदेशी आक्रांताओं का ऐसा अत्याचार इस राष्ट्र पे रहा कि उन्हें मतांतरित होना पड़ा, तो उस सब के आलोक में उनके पूर्वजों का जो धर्म रहा सनातन, वह उसकी संपदा है, उन्हें स्वतः आगे बढ़ के उसको सौंप देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उपासना पद्धति बदल जाने से पुरखे नहीं बदलते हैं, संस्कृति नहीं बदलती है, मातृभूमि नहीं बदलती है, इसका भी आदर करते हुए काशी विश्वनाथ कृष्ण जन्मभूमि जिसका मैं याचिका करता हूं उसको अवश्य सौंप देना चाहिए हिंदुओं को। हालांकि मुख्यमंत्री के बयान के बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने कुछ भी बोलने से साफ साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और हम इस मसले पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। वहीं ज्ञानवापी से जुड़े हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और एक संत से कभी किसी इंटरव्यू में झूठ नहीं बुलवाया जा सकता। अगर एक संत के सामने किसी मंदिर को आप मस्जिद संबोधित करेंगे तो उनका गुस्सा और उनकी राय स्वाभाविक है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये फैसला, ये बयान काबिले तारीफ है और हम इसका स्वागत करते हैं। वाराणसी से राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस के लिए।